नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज दिन भर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ। जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है नवोन्मेष परिषद। नंबर टू, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से 8000 प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए तारामंडल का क्या नाम है जिसमें सुपरनोवा के दौरान तारे अप्रत्याशित रूप से धीमा घूर्णन कर रहे हैं? इसका सही आंसर है एपिप। नंबर थ्री, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने हाल ही में रणजी क्रिकेट में 11000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है वसीम जाफर ने। नंबर फोर, निम्नलिखित में से किस देश ने 59वां सुब्रत कॉप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जूनियर का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश ने। नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किस राज्य में 7वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है त्रिपुरा में। नंबर सिक्स, हाल ही में भारत के किस राज्य में मौजूद प्रतिबंधित आदिवासी क्षेत्र में एक अमेरिकी नागरिक के जाने पर वहां की जनजाति ने उनकी तीर मारकर जान ले ली? इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार में। नंबर सात, दो अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बीच किस राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 21 नवंबर 2018 को विधानसभा भंग कर दी? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। नंबर एट, अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के कितने साल पूरे हुए? इसका सही आंसर है 20 साल। नंबर नाइन, किस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने हाल ही में कुल नामक ऑनलाइन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया? इसका सही आंसर है केरल। नंबर टेन, किस आईआईटी संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन वेस्ट सिस्टम का विकास किया? इसका सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद में। नंबर ग्यारह, जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नंबर 12, निम्न में से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रवासन संधि को खारिज कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो पर लाइक कीजिए और अपना सुझाव भी हमें दीजिए जो कि हमें आगे चलने में मदद करेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।